देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि इस बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, वितरण की गति तेज करने और अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करने को कहा। इस बैठक में अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री को बताया गया कि ऑक्सीजन की मांग की पहचान करने और उसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा वक्त में देश के 20 राज्यों में रोजाना 6,785 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसके जवाब में 21 अप्रैल से रोजाना इन राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पिछले कुछ दिनों में निजी और सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों, उद्योगों और ऑक्सीजन निर्माताओं के योगदान से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में रोजाना 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने पीएम मोदी को सूचित किया कि वे जल्द से जल्द पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू निर्बाध तरीके से हो। पीएम मोदी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन का उत्पाद और आपूर्ति बढ़ाने के तरीके तलाशने के निर्देश भी दिए। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।